जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह के अंतर्गत पद्य भाग की दो कविताओं का अर्थ समझेंगे। सबसे खतरनाक कविता के कवि श्री अवतार सिंह संधु जी हैं। इनका जन्म सन 1950 में जालंधर में हुआ। ये पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी कविताओं में व्यथा, निराशा, गुस्सा नजर आता है। प्रस्तुत कविता में दिनों दिन क्रूर एवं नृशंस हो रही दुनिया की बर्बरता का चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि इन बुराइयों को देखकर भी चुप बैठना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बच्चों, अब हम कविता का सारांश समझेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि अवतार सिंह संधु जी कहते हैं कि मेहनत की कमाई का लूट जाना, पुलिस की मार सहना, गद्दारी, लोभ, लालच का शिकार होना, चुप्पी साध लेना, स्वार्थ के लिए कसम सा कर रह जाना इतना बुरा नहीं है जितना मुर्दा होकर शांत जीवन जीना, सब कुछ सहन कर जाना, अपने ही जीवन में खो जाना, हमारे सपनों का मर जाना, प्रगति के साथ कदम न मिला पाना सबसे खतरनाक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सारे अत्याचार, अनाचार चुपचाप सहन कर शांत बैठे रहेंगे तो ये समाज एवं देश तथा विश्व के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। पाठ का सारांश अर्थात कविता का सारांश। संकेत। संकेत के अंतर्गत मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़ जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होती। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री अवतार सिंह संधु द्वारा रचित कविता सबसे खतरनाक शीर्षक से ली गई है। अब बच्चों प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि देशवासियों को बुराई के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि मेहनत के बदले उचित मूल्य न मिलना खतरनाक होता है, परंतु यह सबसे खतरनाक बात नहीं है। यह भी माना कि पुलिस की मार पड़ना खतरनाक होता है, परंतु यह भी खतरनाक नहीं है कवि की नज़रों में। लालच में आकर देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचना ये भी कम खतरनाक है, परंतु यह संसार का सबसे खतरनाक काम नहीं है। संघर्ष किए बिना पुलिस द्वारा पकड़े जाना और जेल में डाल दिए जाना बुरी बात है। अन्याय के खिलाफ चुपचाप सहमे पड़े रहना बुरी बात है, परंतु इन बातों से को सबसे खतरनाक नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों, ये था पद का भावार्थ। अब हम काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आवेग पूर्ण मौलिक शैली तथा कविता में जिज्ञासा का भाव बना रहा है। अब दूसरे पद का संकेत। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। बच्चों, संदर्भ पूर्वानुसारी होगा। प्रसंग। देशवासियों को मूक दर्शक ना होकर संघर्ष करने की बात
कवि के द्वारा प्रस्तुत पंक्तियों में की गई है। अब हम व्याख्या समझेंगे। प्रस्तुत पद में कवि संधु जी कहते हैं कि चारों ओर व्यक्ति छल कपट देखकर भी चुप रहे, इसका विरोध ना करे, यह बुरी बात है। यह बात भी बुरी है कि व्यक्ति जुगनू के प्रकाश में पढ़े, अर्थात अज्ञानी या अल्पज्ञानी को गुरु बनाए। बात यह भी बुरी है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहे पर कुछ कर न सकने की स्थिति में मुट्ठी बीच कर रह जाए। ये सब बातें बुरी हैं। अंत में कवि कहते हैं कि उससे भी बुरी बातें और भी हैं। कष्ट का घातक परिस्थितियों के दूरगामी परिणाम होंगे, ये बताते हुए कवि हमें संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो बच्चों, ये था भावार्थ। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इन पदों में भी हमारी जिज्ञासा बनी हुई है। आवेश, जोश और मौलिकता का भाव है, सरल शब्दावली का प्रयोग। बच्चों, हम तीसरे पद की व्याख्या समझेंगे। सर्वप्रथम संकेत। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प कर सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। तो बच्चों, ये था संकेत। संदर्भ पूर्वानुसार ही होगा किंतु प्रसंग परिवर्तित है। प्रस्तुत पद में कवि संधु जी संघर्षशील होने की बात करते हैं, साथ ही कामनाहीन उद्देश्यहीन निष्क्रिय जीवन की निंदा भी करते हैं। बच्चों, हम व्याख्या समझेंगे। जीवन में सबसे खतरनाक होता है निष्क्रिय होकर चुपचाप बिना कुछ किए रहना। चाहे जितने भी संकट आए उन्हें बिना विरोध किए सहते जाना, रोज काम पर जाना और घर लौट आना, ऐसा निठल्ला जीवन भी खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक स्थिति होती है कि हमारे सपने मर जाएं, जीवन की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, हमारी चेतना हमारी सोच मर जाए। ये और भी खतरनाक है कि चलती घड़ी को देखकर भी हम सोचें कि जीवन स्थिर है, अर्थात बदलते वक्त के साथ जो खुद को बदलना नहीं चाहे वह स्थिति सबसे अधिक खतरनाक होती है। नहीं चाहता, अपने धैर्यदार मुर्दा जीवन को सच मानता है और यह स्थिति सबसे खतरनाक है। बच्चों, अब हम काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने जीवन में संघर्ष एवं बदलाव को आवश्यक माना है। केवल कामकाजी होना मौत के समान है। प्रस्तुत पद की भाषा सहज एवं सरल है। बच्चों, हम चौथे पद की व्याख्या पढ़ेंगे। संकेत। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है। संदर्भ पूर्वानुसार ही होगा। प्रसंग। संवेदना शून्य एक ही ढर्रे पर जो चलता है, जो जिंदगी की आलोचना करता है, वह सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे। जीवन में सबसे खतरनाक दृष्टि वह होती है जो सब कुछ देखकर भी नहीं देखना चाहती। वह ऐसी होती है जैसे जमी हुई बर्फ। ऐसी दृष्टि संसार में प्रेम नहीं कर, ऐसी दृष्टि कट्टरता और अंधेपन की बातों को सच मान बैठती है, एक ही जगह पर ठहरी रहती है, केवल रोज की जीवन धारा को निभाती चली जाती है। जो दृष्टि बिना किसी लक्ष्य के रोज रोज की बेकार बातों को
थोड़ा उलट फेर के साथ दोहराती चली जाती है वह दृष्टि खतरनाक होती है। जीवन का व्यर्थ हो जाना कोई जीत नहीं है, क्योंकि जीवन गतिशील है और जीवन में गति अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, ये था भावार्थ। काव्य सौंदर्य परिवर्तन जीवन शैली का समर्थन कवि करते हैं। जमी बर्फ ठंडे जीवन का प्रतीक है। अंधेपन की भाप में रूपक अलंकार है। कथन शैली मौलिक है। बच्चों, अब हम पांचवें पद का भावार्थ समझेंगे। संकेत कुछ इस प्रकार है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता है। बच्चों, संदर्भ पूर्वानुसार ही है। प्रसंग के अंतर्गत चंद्रमा को आस्था और विश्वास का प्रतीक माना है तथा संघर्ष की प्रेरणा प्रदान की गई है। वह चांद सबसे खतरनाक होता है जो हर हत्याकांड के बाद हत्या के शिकार लोगों के सूने आंगन में भी चढ़ जाता है, फिर भी वह आंखों में खटकता नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जब लोगों के साथ घोर अत्याचार और नरसंहार किए जाते हैं, तब भी उनके आंगन में आस्था, विश्वास, शांति और भगवान भक्ति के नाम पर मनमोहक बातें की जाती। आश्चर्य यह है कि यह बातें पीड़ित लोगों को भी नहीं चिढ़ाती, उन्हें हत्याकांड करने वाले लोगों के प्रति भड़काती नहीं, बल्कि उन्हें शांत ही करती है। ऐसी शांति बहुत खतरनाक होती है। इसमें मानवीय समस्या का कोई हल नहीं मिल पाता, पीड़ित को कोई भी संवेदना प्राप्त नहीं हो पाती। तो बच्चों, ये था भावार्थ। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत चंद्रमा को आस्था और विश्वास का प्रतीक माना गया है। अर्थ में सांकेतिकता है, मुक्त छंद है, बिंब योजना प्रशंसनीय है, आवेगपूर्ण एवं मौलिक शैली सर्वत्र दिखाई देती है। बच्चों, हम छठे पद की व्याख्या समझेंगे। संकेत इस प्रकार है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। संदर्भ पूर्वानुसार ही होगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि डरे हुए लोगों की मृत्यु पर करुणा व्यक्त करने को खतरनाक मानता है। व्याख्या, सबसे खतरनाक वह गीत होते हैं जो आपका ध्यान खींचने के लिए करुणा भरे स्वर में व्यक्त करते हैं, जो डरे हुए हैं और डरे हुए लोगों को गुंडों की भांति और अधिक धमकाते हैं, उन्हें लज्जित करते हैं, चिढ़ाते हैं तथा भयभीत भी करते हैं। आशय यह है कि गीतकार का दायित्व बनता है कि डरे हुए लोगों को सहारा दे, प्रेरणा प्रदान करें। इसकी जगह उन्हें रुलाना या डराना, दोनों ही बातें निंदनीय हैं, अर्थात निंदा करने के योग्य है। तो बच्चों, ये था भावार्थ। काव्य सौंदर्य, मानवीकरण अलंकार, करुण रस एवं भयानक रस के गीत को अनावश्यक माना गया है। मरसिया पढ़ना परंपरागत शैली है। कवि की शैली अत्यंत मौलिक है। बच्चों, अब हम सातवें पद की व्याख्या समझेंगे। संकेत कुछ इस प्रकार है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। संदर्भ पूर्वानुसार ही होगा। प्रसंग, देशवासियों को संघर्षशील होने की प्रेरणा प्रदान की गई है। कवि कहते हैं कि वह रात सबसे ज्यादा खतरनाक होती है जो जीवित आत्माओं के संसार पर आ घिरती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं, गीदड़ हुओ हुओ की आवाज करते हैं। ये उल्लू और गीदड़ बंद हुए अंधेरे दरवाजों पर जाकर हमेशा के लिए चिपक जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अंधी रूढ़ियां सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, जो जीवित मनुष्यों पर सवार हो जाती हैं,
उन रूढ़ियों का महिमा में गान करने लगते हैं। लोग उल्लू और गीदड़ की तरह हैं जो अज्ञानी लोगों के हृदय पर सवार हो जाते हैं और रूढ़ियों से बाहर निकलने नहीं देते। बच्चों, ये था भावार्थ। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रूढ़ियों का विरोध, उल्लू और गीदड़ सशक्त बिंब उभर कर कविता में आए हैं। सांकेतिक भाषा, उर्दू शब्दावली का प्रयोग। बच्चों, अब हम आठवें पद की व्याख्या पढ़ेंगे। सर्वप्रथम संकेत। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। बच्चों, संदर्भ पूर्वानुसार ही है। प्रसंग, आत्मा की आवाज को अनसुना करने वाली चिंतन शैली को धिक्कारा है। व्याख्या, जीवन की वह दिशा सबसे खतरनाक होती है जो आत्मा के सूरज को अस्त कर देती। आशय यह है कि आत्मा की आवाज सबसे खतरनाक होती, वह विचारधारा सबसे खतरनाक होती है जो मुर्दा धूप की तरह होती है तथा मनुष्य के शरीर में कांच के टुकड़े की भांति चुभी रहती है। आशय यह है कि ऐसी विचारधारा जो रूढ़ियों से ग्रस्त होती है मनुष्य के मन में बराबर कसकती रहती है। काव्य सौंदर्य, कट्टर विचारधारा का विरोध। आत्मा का सूरज में रूपक अलंकार है, जिस्म के पूरब में भी रूपक अलंकार है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। उर्दू शब्दावली शैली सर्वथा नवीन एवं मौलिक है। तो बच्चों, ये थी कविता सबसे खतरनाक की व्याख्या। इसके पश्चात कठिन शब्दार्थ होंगे। गद्दारी अर्थात देश विरोधी अर्थात बेचैनी, वीरान अर्थात उजड़ा हुआ, मरसिया करुण रस की कविता जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है, रूह अर्थात आत्मा, चौगाठो अर्थात चौखटो यानी दरवाजे की चौखट। तो बच्चे, ये थे कठिन शब्दार्थ। आशा है आप कवि के मानवतावादी दृष्टिकोण को समझ गए होंगे। जय हिंद।